आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। आज सबरी आश्रम नीमच में राणा पुंजा जयंती मनाई गई, जिसमें भील समाज के राष्ट्रीय संस्थापक चित्तरलाल जी खाट की मुख्य अतिथि और अध्यक्ष भील सेवा संगठन नीमच देवीलाल भील, जिला संयोजक रतनलाल मालावत, उपाध्यक्ष गोपाल चौहान, कालूलाल चौहान, राहुल तावड़, गोर्धनलाल, सुरेश बापूलाल, रामलाल, हरि सिंह, राजेंद्र विकास, सह मीडिया प्रभारी राजू देवी पार्षद आदि कई समाजगण उपस्थित थे। खाटकी ने कहा कि सभी भील समाज राणा पुंजा जैसे देशभक्त से ओतप्रोत रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव पवन भील ने किया और आभार राजेश तावड़ ने व्यक्त किया। चित्रमल खराड़ी आदिवासी भील समाज के संस्थापक है। उनके द्वारा विगत लगभग 35 वर्ष से समाज का कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से किया जा रहा है। ज्ञात हो कि खराड़ी का मानना है कि समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब समाज में शिक्षा की अलग जगेगी। इसलिए खराड़ी बार बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में जाकर भील समाज के लोगों से आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो और हर व्यक्ति शिक्षा से जुड़े, तब समाज का विकास संभव है। आज राणा पुंजा जयंती है, जो राणा पुंजा महाराणा प्रताप के साथ जो है जिन्होंने युद्ध किया था हल्दीघाटी में और मुग़लों से लोहा लिया था, आज उनकी जयंती है। और नीमच में जो है हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, उसके निमित्त मैं नीमच जा रहा हूँ और उस कार्यक्रम में भाग लूँगा। हमारा तो उद्देश्य ये है कि जो हमारा जो आदिवासी भील समाज है, वो जो जंगलों में बसता है, गरीब है, अशिक्षित है, हम यूँ चाहते हैं कि ये सब लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छा धंधा करें, अच्छी खेती करें, कुछ बचत करें और अपना जीवन स्तर जो है उसको सुधारें, क्योंकि दुनिया जो है चंद्रमा पर पहुंच रही है और अभी हमारे लोग जो हैं उससे अनभिज्ञ हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम जो है इनको जागरूक करेंगे, शिक्षित करेंगे और समझदार बनाएंगे, अच्छी खेती, मेहनत करके और बचत करना सिखाएंगे। जो हमारी कुरीतियाँ हैं, जैसे शराब पीना, नुक्ते करना, छोटे बच्चों की शादियाँ कर देना, उस पर थोड़ा सा हम जो है समझाइश करके अंकुश लगा रहे हैं, ताकि हम भी जो हैं, जो हमारे जो सारे जो भाई हैं, सभी जातियों के जो भाई हैं, वो उनके साथ साथ चल करके और हमारा विकास कर सके, हमारे प्रदेश का विकास कर सके और हमारे देश के विकास में भागीदार बन सके। मुझे 33 साल हो गए लगातार चलते चलते, पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई जगह देखने का मौका मिला और हमने काफ़ी काम किए हैं, जैसे बच्चों के छात्रावास बनाना, जहाँ गरीब बच्चों को रखना पढ़ाना, नुक्ता प्रथा बंद करना, सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है दोनों तीनों राज्यों में शुरू करवाना, अच्छी तरह से खेती करना, बचत करना, ये सारे काम हमने जो हैं शुरू किए हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम तो करते ही हैं, साथ ही जो दूसरी जो समाज के जो अच्छे लोग होते हैं उनसे मिलकर के हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि जहाँ जहाँ आप बसते हैं, जहाँ जहाँ आपके साथ जो है हमारे आदिवासी भील समाज के लोग बसते हैं, आप उनका मार्गदर्शन करें, उनको उंगली पकड़ करके और अपने साथ चलना सिखाएं। कार्य योजना तो हमारी ये जो बननी हुई है, सबको शिक्षित करना और कुरीतियों को दूर करना, इसी पर हम काम करते रहे हैं। और अभी जब तक ये जो है हम इसका लक्ष्य जो हासिल नहीं कर लेते, हमारी कार्य योजना सिर्फ यही है। मैं चित्रलाल खाट की हूँ और एक जो संस्था है जो राजस्थान भील समाज विकास समिति, अखिल भारतीय भील समाज विकास समिति, उसका मैं संस्थापक हूँ। मैं छोटा था तब मैंने उसको बनाया था और उसके माध्यम से पूरे राजस्थान में जो है शिक्षा की अलग जगाई थी और पूरे राजस्थान में
जगह जगह जो है छात्रावास बनाए थे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी शासन के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से ऐसे छोटे छोटे छात्रावास बनाएं जहां हमारे बच्चे पढ़ लिख करके और समझदार बने, अच्छे बने और अपना विकास करें। धन्यवाद सर।